नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। मैं आपका भाई सूर्य स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट इन एडवेंचर पे। आज आपका भाई एक ऐसी लोकेशन पे जाने के लिए तैयार हुआ है जो लोकेशन इतनी ज़्यादा भयानक है, या यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ का लेवल है, या यहाँ पे जो हादसा हुआ है उसके बाद में इन घटनाओं का होना और उस औरत का बार बार दिखना, ये साबित करता है कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज या उस एक ऐसी एनर्जी का वास है जो इंसानों को खींचती है अपनी तरफ और सीधा मौत की तरफ ले जाती है। हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ उन बातों को गौर से सुनना कि एक औरत जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है, मोहित करती है और अपनी मौत की तरफ ले जाती है। ये कहानी है एक ऐसे गांव की या एक ऐसे रोड की जहाँ पर एक हादसा हुआ था आज से 1.5 साल 2 साल पहले। लेकिन इस रास्ते पर उस हादसे के बाद में 1 साल तक कोई एक्टिविटीज़ नहीं हुई भाई, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन 1 साल बाद में जब उसका ये असली रूप या यहाँ पे उसके होने की वजह या उसके होने का पता जिस जिस को भी चला, उसने सिर्फ एक अलग ही अंदाज में बिहेव करना चालू कर दिया। इससे कुछ दूरी पर जो है एक पेट्रोल पंप है, वो भी खुला हुआ करता था, पर उस हादसे के 1 साल बाद में वो भी रात को बंद होने लग गया, नहीं तो रात भर खुला रहता था। इस हादसे में उस पेट्रोल पंप का क्या रोल है या क्या अहम हिस्सा है उसका, वो भी आप लोगों को सुना देता हूँ एक बार। कि उस रात जो 2 पेट्रोल कर्मी थे वो टहलने के लिए या घूमने के लिए अपने थोड़े से कि भाई वॉक हो जाए उसमें करके वापस आ जाते हैं, वो जैसे ही थोड़ी सी दूर निकले उसी रास्ते में एक पानी की टंकी पड़ती है, वहाँ तक वो पहुँचे और उनको वो औरत नज़र आई। और बस और एक औरत उनको नज़र आते ही वो उसकी तरफ खींचने लगे और उसका पीछे करते करते वो वहाँ तक चले गए जहाँ तक उनको नहीं जाना चाहिए था। मेरे कहने का मतलब है कि वो औरत उनको रास्ते पर दिखी और रास्ते से सीधा वो अपने पानी की टंकी की तरफ उनको ले गई, जहाँ से उसने या ऊपर से जो वो गिरी तो उसकी हत्या हुई। वो दोनों पीछे पीछे चले गए और उसके बाद में वापस नहीं लौटे। वापस लौटी तो उनकी बेजान शरीर और एक वर्ड में बोलूँ तो उनका मरा हुआ शरीर निकला था भाई वापस, जो लोग लेके आए थे उनको। बस यही वजह है और यही एक हॉन्टेड लोकेशन है जिस पे आज आपका भाई सूर्य पहुँचने वाला है, जाने वाला है या विजिट करने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है मेरे साथ में बने रहो और इस वीडियो को एंड तक वॉच करो बिना स्किप किए। और जिन भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और इस वीडियो को एंड तक देखना। जो भी मैं कहना चाहता हूँ मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। बस अब फटाफट से निकलते हैं इस लोकेशन के लिए, आ जाओ भाई। नजर आती है जो लोगों का रास्ता रोकती है और उन्हें उस पानी की टंकी की तरफ ले जाती है। बोला जाता है कि वहाँ पे एक पानी की टंकी है जहाँ पे उसकी मौत हुई। अब भाई मौत किस वजह से हुई, क्या रीज़न था वो नहीं पता हमें, पर उसकी जो मौत हुई वो ऐसे थी कि उसमें बस वो रास्ते में से लोगों को रोकती है, पानी की टंकी की तरफ ले जाती है और ऊपर से जो है लोगों को छलांग लगा देती है या मजबूर कर देती है ये सब करने पर। पता नहीं कैसे करती है वो। और उसी चीज़ को देखने के लिए हम जो दोनों भाई है उस लोकेशन पे जा रहे हैं। यहाँ के गांव वालों से हमने जो बात करी है उसमें उन्होंने हमें एक ही चीज़ बोली है, भाई उस रास्ते पे जाना मतलब अपनी मौत को दावत देना है, क्योंकि इस रास्ते में एक पेट्रोल पंप हुआ करता था जो उस वक्त खुला रहता था जब वो घटना नहीं हुई थी उससे पहले। लेकिन उस घटना के बाद में वो पेट्रोल पंप भी जो है रात को बंद रहने लग गया है, क्योंकि लोगों को आना जाना भी रहता है इस रास्ते पे, लेकिन वो भी कम हो गया इस पेट्रोल पंप का बंद होना और उस चीज़ का दिखना। ये तीनों चीज़ें एक साथ होती है और शायद मेरे हिसाब से जो मुझे लाइटिंग दिख रही है वो पेट्रोल पंप की है। मैं गाड़ी को जो है ध्यान में उसके धीरे चलाऊँगा, क्योंकि भाई है ना तेज चलाऊँगा तो वैसे ही मारा जाऊँगा। यही है वो पेट्रोल पंप जिसकी बात करी थी, यही है वो पंप। वो खुला हुआ करता, खुला रहता था कभी,
लेकिन इस हादसे के बाद में ये पंप भी बंद रहने लग गया। सामने कर लो भाई, रास्ते पर रखो, ये इस पेट्रोल पंप के आसपास ही बताई गई वो चीज़। रास्ते पर ध्यान रखना भैया, इस जगह पर क्या हो रहा है, क्या हुआ? ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, मेरे को लगा यार यहाँ पे कुछ है, क्या है समझ नहीं आ रहा। पेट्रोल पंप से आगे आ गए तो निकला जाता, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। भैया एक बार वापिस चले गए, पेट्रोल पंप से इतना आगे आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मेरे को वहाँ पर लगा कुछ है वहाँ पे, हाँ पे वहाँ पीछे भाई एक बार लाइट बढ़ाइए, एक सेकंड लाइट बढ़ाने दो। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, इस रास्ते पे जो बात बोली गई थी ना वो पेट्रोल पंप के जस्ट नज़दीक की थी, और हम जो पेट्रोल पंप से काफ़ी आगे आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें कोई चीज़ नज़र नहीं है। लेकिन ये बंदा बोल रहा है इसको वापस आना चाहिए हमारे को, एक बार जो है ठीक है, बाइक बंद होगी भैया है, वहाँ पर कुछ लगा था मेरे को, वहाँ पर है कुछ। अरे बंद क्यों क्या हो रहा है भैया, भैया ये क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है अब ऑटोमेटिक बंद हो रही है, और टेंशन हो रहा है मुझे। ये कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, गाड़ी ऑटोमेटिक बंद कैसे हो जा रही है, मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा है। भैया सामने देखो, सामने भैया सामने क्या, गाड़ी बंद हो गई, सामने देखो एक बार। ओ बाप रे, ओ भाई ये क्या सामने भैया, अरे बाप रे, तो वही औरत लग रही है यार, कितनी भयानक चीज है। गाड़ी यार, गाड़ी लेकर चलते जा के कौन है तुम, ओनो, ओ बाप रे, ओ भैया देखा गेट एक अपना खुल गया, ओनो कहाँ जा रही हो, देखो हम तुम्हारे जाल में फंसने वाले नहीं है भैया, अंदर जा रही हो वो चीज, हाँ भैया गेट ऑटोमेटिक खुला था ये, हाँ वो अंदर जा रही है। कौन है तुम और क्या रास्ते पे लोगों क्यों रुका रही हो भाई, इसको क्लियर दिखना हो रहा है वो रास्ते पे भाई, निकले भी हम यहीं से थे,
मैंने बोला था ना भैया यहाँ पर कुछ हुआ था, वापस आते टाइम में तीन बार क्यों, दो तीन बार घड़ी भी बन गई है। कौन हो तुम? दिख रहा है? नहीं दिख रहा भैया। कौन हो? वो हम तुमसे बात करना चाहते हैं भैया। ऊपर जा रही है वो चीज, वही देख रहा हूँ। ऊपर जा रही है भैया वो चीज, ऊपर कहाँ तक जाएगी? भैया गेट है ऊपर जा रही है, इसमें मूवमेंट हो रही है। गेट ऑटोमेटिक खुल रहा है, ऑटोमेटिक बंद हो रहा है। कौन हो तुम और कहाँ ले जाना चाहती हो मैं? भैया यार कितनी खतरनाक चीज है भैया, अरे छोड़िए भैया आराम से। कहाँ जाना चाहती है? डर लग रहा है यार भैया मेरे को तो, कितनी खतरनाक चीज है यार। देख इसका चेहरा, बाप रे कितना भयानक है यार भैया इसका चेहरा। ओ भैया वो रही भैया वो ऊपर जा रही है। क्या चीज है यार भैया ये, ऊपर चलते भी है। आराम से आना ठीक है, दोनों की जान चली जाएगी। हाँ यार भैया हो रही उसके पीछे, हो रही उसके पीछे, हाँ उसके पीछे वो देखो। ओ बाप रे ठीक है। हाँ भैया अच्छा डरना मत, छाइन में रखना। भैया कैमरा दे, कैमरा दे, कैमरा दे। ओ भाई बाप रे, अरे बाप रे, ले खाया वो।
चल चल कहाँ गई भैया भाई एकदम सामने देखते हुए पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अच्छा भाई पता नहीं कहाँ है दिखाई नहीं दे रही। अभी तो यहीं पे थी यार भाई बहुत खतरनाक चीज है यार भाई। अभी हम जो साइड पे ना एक बार नीचे हाइट करके दिखाइए भाई कितनी हाइट पे हम साइड से हम सीधा चले भी जाए ना तो साइड से अगर इंसान गिरे तो बहुत इस तरफ भी दिखा दे एक बार इस साइड से अगर इंसान नीचे गिरे तो गया भैया आपके पीछे देखो भैया भैया अपने बोल रहा हूँ चलो वो खड़ी जा रही है और ये ऊपर इससे ऊपर कहाँ जाएगी भैया पता नहीं है कितनी खतरनाक चीज है यार भैया ओ बाप रे ओ भाई भैया ये तो और हाँ भाई शकल देखो यार भैया इसका मुंह देखो एक बार कितना भयानक है। सुन हाँ नीचे बात चल नीचे आ जा नीचे आ जा नीचे आ जा ऊपर है वो ऊपर दिखी थी वो भैया नीचे देखो भैया ऊपर चल भैया नीचे कब आ गई देखो यार भैया अभी तो ऊपर थी ये अभी जस्ट इस जगह पे थी भाई ऊपर ओ भाई भैया जा रही हो एक कहाँ जा रही है भाई उस जगह से हमारे को नीचे उतरने में टाइम लगा लेकिन इसने नहीं लगाया भाई भाई साहब कहाँ जा रही है देखो हमारी बात को सुनने की कोशिश करो कौन हो तुम क्या नाम है तुम्हारा क्या तुम अपना नाम बताओगी भैया वो वापस जा रही है बाहर वो खड़ी हो गई वहां पे भैया वो गेट की तरफ जा रही है वापस इसको पकड़ के मेरे को कहां तक जाना चाहती है ऊपर से नीचे ये एकदम से यार भैया वहां पे थी वो अब क्या तुम अपना नाम बताओगे हमें क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ भैया यार मुंह देखो उसका मुंह भैया फंसे हुए लोकेशन पे भयंकर भैया वापस आ रही हो अपना रास्ता ना रोक लेना भैया डर लग रहा है मुझे कौन हो तुम और क्या हुआ था तुम्हारे साथ में जो तुमने ये किया या तुम्हारे साथ में जो भी हुआ यहाँ पे मुझे नहीं पता चला अभी तक बस मुझे इतना सा पता है कि तुम्हारी मौत हुई है क्योंकि वजह क्या थी उसका नहीं पता क्या तुम अपने मुंह से बताना जरूरी समझोगे हमें ओ भाई भैया गेट खुल गया भैया गेट अपने आप खुल गया यार जल्दी नीचे आना भाई गेट अचानक अपने आप ध्यान से लग नहीं जाए गेट अपने आप से खुल गया अपना भैया गेट बंद हुआ देखा आपने इंसान है अपने को तो
इस गेट को बंद कर देते हैं। क्या क्या शक्ति है इसको देख करके दिमाग खराब हो गया पता नहीं। भैया ये चीज दे। ओ भैया ये चीज दे।